मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए लोगों को मोहब्बत का जाम पिलाते जाएं और मीलाद के प्रोग्राम के लिए तैयारी करते जाएं और यहाँ से इतनी कोचे लेकर आए इस कदर खूबसूरत इज्तिमा का एहतमाम करें कि उस वक्त आश्रम पार अपने तंग होने का शिकवा करें और जिस तरह हुजूर शेख उल आलम की ख्वाहिश थी कि वो पार्क भर जाए, यकीनन आपकी ख्वाहिश को खुदा ने पूरा किया और आपके जनाजे पर हमने देखा कि वो पार्क कुशादा होने के बावजूद अपने तंग दामानी का शिकवा कर रहा है। तो आज अब जिस्म तो नहीं लेकिन रूह तो है ना, वो रूह आपके साथ ही है। उस रूह को खुश रखो और वो यही तरीका है कि अपने शेख के असल मिशन को जिंदा रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरे कांधों पर जिम्मेदारियाँ आई हैं मैंने वही काम किए हैं जो हुजूर शेख उल आलम छोड़ कर, कोशिश की है कि उन तमाम कामों को जिंदा रखा जाए जो मुश्किल तरीन काम है, लेकिन हम और आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू के आखिर में ये कहा था कि आप सब के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ आस्ताना आलिया नहरी शिव की नहीं बल्कि हर यार रसूलुल्लाह कहने वाले की जिम्मेदारी। आप सब ने आना है, ये एक नुमाइंदा जुलूस होता है पूरे यूरोप का जिसको पूरी दुनिया की आंख चेक करती है, देखती है कि आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं तो वजह क्या है। तो वजह आखिर में जाकर गुंबद खजरा में खत्म होता, उस नबी से मोहब्बत करने वाले। और फिर जो दुनिया का माहौल है इसमें हमने ये भी लोगों को बताना है, सारी दुनिया को ये बताना है कि इस्लाम अमन का मजहब है। ये देखो, चलते हैं तो अमन के साथ, बैठते हैं तो अमन के साथ, जब ये मुंह खोले तो अमन का पैगाम देते हैं। मौजूदा वक्त में इस तरह के इज्तिमात करके हुकूमत के अराकीन और दीगर जो सियासी हमायदीन हैं उनकी हाजिरी, वो ये सब मनाजर देख कर यकीनन मुसलमानों के लिए एक अच्छी सोच लेकर उठते हैं। इसमें आप लोगों का कसरत के साथ आना, माओ बहनों बेटियों का इज्जत माब हमारी मस्तूरात का एक खूबसूरत शिरकत होगी। और मैंने जब ये ऐलान किया यकीन जाने कि कई लोग खुशी से रो रहे थे, कई खुश हो रहे थे क्योंकि उनको फिर अपने शहर की याद ताज़ा हो गई। इस तरह हम मुश्किल के बावजूद नूर टीवी को जिंदा रखे हुए हैं, जबकि कमर तोड़ प्रोजेक्ट है नूर टीवी को चलाना और हौसले पस्त हो जाते हैं और हौसले शिकनी की तरफ इंसान बढ़ जाता है जब इसके खर्चात को देखता है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ और उसकी वजह यह है कि जब आपके ये खूबसूरत चेहरे सामने आते हैं मेरे अंदर और हिम्मत की रूहानी तवज्जो भी है। आपने नूर टीवी को भी आबाद रखना है और 22 अप्रैल को आपने आस्टन पार्क को जिक्र मुस्तफ़ा से आबाद करना और उसी प्रोग्राम में, क्योंकि वो पार्क हुजूर शेख उल आलम ने नबी पाक की अजमतों के लिए मुंतखब किया और आपकी वजह से वो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से आबाद हुआ, तो हमने ये भी फैसला किया था, उस दिन तमाम बरतानिया की नुमाइंदगी मौजूद थी, कि जिक्र रसूल और मीलाद रसूल के साथ साथ वो उर्स हुजूर शेख उल आलम भी हो और दुनिया देखेगी कि जिस शेख का जिस पार्क में जनाजा हुआ आज वहीं पर उसका उर्स किस अजमत के साथ मनाया। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप सब लोगों ने मिलकर कामयाब करना है। आप में से कौन ऐसा आदमी है जो कहे मैं नहीं आ सकता हूँ, जो कह सकते हाथ खड़ा करो मेरे, चलो कॉमन ना आ, लेकिन जरूरत तो नहीं कर सकते। क्यों इसके जरूरत क्यों नहीं करते कि आपको खुद पता है कि ये काम ठीक नहीं है, तो जिसके बारे में आपका दिल कहता है कि ये काम ठीक नहीं है तो वो जो ठीक काम नहीं है वो करने की जरूरत क्या है। मतलब ये इनकार ना करो, इकरार करो, इकरार को अमली जामा भी दे, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि आपने उसमें माली तआवुन भी करना। मैं हजरत साहब की
हिम्मत को दाद देता हूँ कि चार पाँच घंटे का प्रोग्राम एक लाख पाउंड का खर्चा है। कौन है ऐसा आदमी जो इतने से, मुझे कई लोगों ने कहा आप ये प्रोग्राम ना करें, ये पैसे आप मस्जिद में डाल दें। तो मैंने कहा पैसे है ही नहीं तो डाल कुछ दिया ये तो इकट्ठे करेंगे, तो जब इकट्ठे करेंगे तो मस्जिद में डाल दें। लोगों से पहले मांगेंगे मिलाद के लिए, जब इकट्ठे होंगे फिर कहेंगे नहीं हम मिलाद नहीं करें मस्जिद में डाल दें। तो मस्जिद जो है वो इंशाल्लाह वो भी बनेगी, उसकी और वजूहत हैं, वो इंतज़ामी जो कमज़ोरियाँ हैं वो अलग मौजू है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन जो हुजूर की अजमत के लिए लाख पाउंड क्या करोड़ों पाउंड खर्च हो जाए, ठीक है। अब जब आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो वो कितनी देर का फंक्शन होता है, और आप दुनिया जान की फजूल खर्चियों करके खुश भी रहते हैं और आप पर कोई एतराज़ भी नहीं करता, और हो सकता है वो शादी एक हफ्ते बाद खत्म भी हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन ये शादी का भी खत्म ये शादी खुशियों कहते हैं। ये जो फरहत है नबी पाक देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, उनके लिए एक लाख पाउंड आप जितने जो कुछ हमारे पास है उन्हीं का सदका है, जो कुछ उनकी वजह से मेरा कुछ अगर थोड़ा सा उन्हीं पर उन्हीं की अजमतों के लिए खर्च हो जाए तो मैं सोचता हूँ बाकी माल की हिफाजत भी होगी और मजीद आने वाले वालों में बरकत भी होगी। तो ये आप भाई सब रहेंगे तैयार होके हाथ खड़े करके यकीन कराओ तैयार हो ठीक है, बहुत अच्छी। कई लोग तैयार नहीं हैं वो भी हो जा सकते हैं इन शाला। आज ही मोहम्मद यूनुस साहब हमारे कर्नल साहब और हाफिज साहब मुकरम भी हमारे हाफिज खलीफा जुल्फकार साहब इन शाला वो भी आ जाएंगे और आप सब के कानों में अजाने देते रहेंगे। हमारे अफरोज साहब नज़र आ रहे हैं वहाँ से भी इन शाला भरपूर मस्जिद से शिरकत होगी, और ये बाहमी तौर पर मैं देखता हूँ इन लोगों को यहाँ पर तो मुझे बड़ी तस्कीन है। और अगर ये इंडिया पाकिस्तान वाले ऊपर वाले जो हैं ये हमारे वाले कर रहे हैं तो जिस तरह इधर इकट्ठे हैं वहाँ पर भी इकट्ठे हो जाएंगे, कोई झगड़े ना हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान वाले आपस में इतनी मोहब्बत से रह रहे हैं यहाँ पर, पता चला कि सारी जो खबास्तें हैं ये ऊपर वाली मंजिल में होती हैं, नीचे बैठे हुए सारे पुरमन लोग हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये 22 अप्रैल अजमत रसूल का दिन है और आपने इस दिन पूरी मेहनत के साथ आपने शरीक होना है, बहुत बड़ी तादाद में आना है और माली तआवुन भी करना है, ठीक है। آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا رب العالمين آج کی یہ مجلس ایصال ثواب بحضور خدمت حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ قبول و منظور آمین الہ العالمین اس محفل میں جتنے ہمارے مقتدر علماء کرام ائمہ کرام منتظمین مساجد اور عوام اہل سنت اور متوسلین دربار عالیہ دہریہ شریف شریک ہوئے، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ اس محفل میں جتنی خیر کے کلمات کہے گئے، نعت رسول پیش کی گئی، قرآن پاک پڑھا گیا، ختم خاجلان پڑھا گیا، اللہ تیرا ذکر کیا گیا، اس سب کلام کا ثواب روح سرکار کو عطا فرما، جمیع انبیاء مرسلین نبی پاک کی صحبت سے فیض یافتگان مرد عورتیں جوان بزرگ صحابہ کرام سب کو ثواب عطا فرما، اہل بیت تابعین و تبع تابعین و اولیاء اتقیاء اور علماء ربانیین کلمہ گو مسلمان اور مرد عورتیں جوان بزرگ دنیا سے جتنے چلے گئے ہیں اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما، بالاخص یا اللہ اس کا ثواب خواجگان کئیاں شریف موڑا شریف و نہریاں شریف کو اس کا ثواب عطا فرما، حضور شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عطا فرما، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، ملی خدمات کو قبول فرما، علمی خدمات کو قبول فرما، طبی خدمات کو قبول فرما، اللہ ان کی خاندانی خدمات کو قبول فرما، اللہ ان کی عالمی خدمات کو قبول فرما، اللہ ان کے مشن کو زندگی دینے کے لیے ہمیں اسباب عطا فرمائے۔
अल्लाह ताला उनके नक्श कदम पर चलना नसीब फरमा। और रब्बुल आलमीन जो कुछ आप छोड़ कर गए हर चीज़ को कामयाबी से हम किनार फरमा। इस सारे ख़त्म पाक का सवाब आप जितने लोग आए यहाँ और जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह उन हर सुनने वाले को और हर इस मजलिस में बैठने वाले को और इनके रिश्तेदारों को जो दुनिया से चले गए, अल्लाह पूरा पूरा सवाब अता फरमा। अल्लाह हमें भी बख्शिश अता फरमा, हमें भी माफ़ी अता फरमा, हमें भी पिछली ज़िंदगी की के लिए दरगुजर फरमा, आने वाली ज़िंदगी में तहारत अता फरमा। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान है सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुसीबतों में परवरदिगार सबकी मुसीबतें दूर फरमा। हाजी मोहम्मद सादिक साहब जो अरसे से इंसाफ के मतलाशी, अल्लाह तो गैब से उनकी मदद फरमा और इनकी दिली तमन्ना को इंसाफ की सूरत में पूरा फरमा। और हमारे मोहतरम हाजी इकबाल साहब उनकी पोती बीमार है, दुआ करें अल्लाह उनकी पोती को सेहत अता फरमा। घरों में माएँ बहनें बेटियाँ जवान बुजुर्ग जो भी बीमार हैं या शाफिल अमराज सबको सेहत अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस पाकीज़ा महफिल के इनेकाद के सबब से मोहतरम हाजी साहब हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, करण साहब और दीगर जितने मुआविरीन हैं, अल्लाह सबको इज़्ज़त बरकत अता फरमा। अपने शेख से मोहब्बत के इजहार में जो ये खूबसूरत प्रोग्राम किया, अल्लाह इन्हें इसका अजर दो जहानों में अता फरमा। इनके वालिद मरहूम को भी इस मजलिस का सवाब अता फरमा और इनकी वालिदा मोहतरमा को